एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं अभी आ गई हूँ दूसरी व्लॉग में। और आज भी अभी गणपति की पूजा में हम लोगों को जाना है, और तो मैंने सोचा चलो कोई प्रसाद बना लिया जाए। तो मैंने बनाया है छोले चने की प्रसाद गणपति जी के लिए। और नीचे अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि मैं 3 दिन हो गए गणपति को रखे हुए। तो मैं 2 दिन गई हूँ और 1 दिन नहीं गई हूँ, क्योंकि संडे वाले दिन बस बहुत सारा काम था, तो मैं काम कर रही थी बाहर का, तो मैं नहीं गई थी। और यहाँ बन रहे हैं मेरे छोले, मैंने छोले तैयार कर लिए। अभी हम जाएंगे नीचे आरती में। और ये तक्ष तैयार हो गया। तक्ष क्या कह रहे हो बेटा, चीज के लिए जा रहे हो, बताना जरा तक्षु। तो मेरा तक्ष पूजा और पाठ दोनों चीजों के लिए जा रहा है। तो तक्ष बहुत बड़ा हो गया है, तो अकेले अकेले पूजा पाठ कर लेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, फिर मैं मिलूंगी आपसे नीचे। और यहाँ बन रहे हैं मेरे छोले। तो गाइस चलिए, अब छोले बन रहे हैं, छोले तैयार हो जाते हैं, फिर मैं नीचे जाती हूँ पूजा करने के लिए। आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ। आज मैंने बहुत सारा काम किया, पर मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। ब्लॉगिंग मैंने शाम से स्टार्ट करी, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ब्लॉगिंग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं खाना वाना भी बनाऊंगी, तो उसके बाद ब्लॉगिंग 2 दिन तक चल जाएगा। क्योंकि ना मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ शिफ्टिंग में हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रेगुलर ब्लॉगिंग करने में। बट मैं रेगुलर हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो गणपति वाला व्लॉग था ना, उसको मैंने 3 बार एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, तो उसके एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वॉइस रिकॉर्ड हो गया, बट एक्सपोर्ट में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी। जिस दिन डालनी थी संडे वाले दिन, उस दिन मैं डाल ही नहीं पाई, 2 दिन लग गए मेरे फ़ोन से। तो आज मैं उसको डाला था मैंने, तो आपको शायद मिल गया होगा वीडियो। तो चलिए बना लेते हैं और फिर मैं निकलती हूँ गाइस नीचे की तरफ। गाइस जब मैं पहुँची थी तो आरती शुरू हो चुकी थी, और फिर मैं अपनी ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगी, मैं आपको दिखाने लगी। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से आरती हो रही है। और तक्ष है, पूरी मस्ती करता है, आरती बिल्कुल नहीं करने देता। कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है, मतलब इसके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी मस्ती में रहता है हर टाइम। तो देख सकते हैं आप तक्ष कितनी मस्ती कर रहा है गाइस। यहाँ एक भाभी ने मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा, तो उनको बहुत जोर की हंसी आ गई। और बस मैं तक्ष से बोल रही थी, तक्ष बेटा दिखाओ अपनी शक्ल दिखाओ, तो तक्ष दिखा नहीं रहा था अपने आप को। तो बस एक ही करके सभी लोग आरती कर लेंगे और हम लोग भी आरती कर लेंगे साथ के साथ। पूजा खत्म हो गई थी, सभी लोगों को प्रसाद दिया जा रहा था, तो भैया प्रसाद बांट रहे थे जो मैं बना कर लाई थी चने वाला प्रसाद, तो वो बट रहा था यहाँ पर। तक्ष को भी मिल गया है प्रसाद, तो तक्ष भी खा रहा है एक एक करके। तो ऐसे करके भैया सबको प्रसाद बांट देंगे, फिर सारे बच्चे ना गाना लगवा लेंगे और डांस करने लगेंगे। तो तक्ष भी यहाँ डांस कर रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हटके करता है सारी चीज़ें, मतलब बच्चों में तो करता ही नहीं है। बस यहाँ पर एक लड़की, 2 लड़कियाँ थी, वो डांस कर रही थी। चलो आप भी देख लो साथ में मेरे। खत्म हो गया, बहुत जल्दी आ जा गई ऊपर। जैसे ही पूजा खत्म हुई मैं आ गई, तो ये प्रसाद लेके आ गई थी मैं। ये मोदक है मेरे हस्बैंड के लिए दिया उन्होंने, तो ये मोदक इसके अंदर ही रखा हुआ है। तो ये है मोदक, इस तक्ष के पापा के लिए दिया है, तो ये तक्ष के पापा खाएंगे। और बस गाइस, और आप देख सकते हैं प्रसाद हो गया पूरा खत्म, तो अच्छे से खा लिया लोगों ने, अच्छा लगता है ना, ऐसे ऐसे लोग खा लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रसाद बांटना। तो बस अब मैं ना सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने छोले ज़्यादा उबाल लिए थे, अब मैं छोले की सब्जी बनाऊँगी। तक्षु तो फ्रेंड्स, मैंने ना एक्चुअली चने जब भिगोए थे तो एक्स्ट्रा थोड़े से भिगो लिए थे, थोड़ा एक्स्ट्रा भिगो लिए थे मैंने। तो मैं जा रही हूँ चने और लौकी की सब्जी बनाने, तो लौकी मेरे पास एक रखी है, तो चने लौकी की सब्जी बहुत जल्दी बन भी जाएगी और रात का हमारा खाना यही हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े से प्रसाद मैंने निकाल लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा निकाल रखा है प्रसाद काले चनों की। तो ये प्रसाद बहुत अच्छे लगते हैं गाइस खाने में, तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रख लिया थोड़ा सा। और अब मैं जा रही हूँ बनाने, तो चलिए फटाफट से मैं लौकी काट लेती हूँ और सब्जी फटाफट से बना लेती हूँ गाइस। बहुत कम होते हैं, और है ना सुबह से शाम हो जाती है, मुझे पता ही नहीं लगता मैंने आराम कब किया, मतलब पूरा दिन ही मेरा काम में कभी कभी निकल
निकल जाता है। कभी कभी ना दिन में दोपहर में 2 घंटे सोने का भी टाइम मिल जाता है तो मैं उसे सोने में नहीं गवाती हूँ बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ क्योंकि ना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरा इतना वेट बढ़ रहा है तो मैं सोचती हूँ कि काम करती रहूँगी तो शायद जितना है उस पर रुका रहेगा, तो मैं पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ गाइस। मैं कई को देखती हूँ ना पूरे दिन, कई औरतें मैं अपने मतलब सोसाइटी की बात ही कर रही हूँ, मैं यहीं पर देख रही हूँ, मतलब 2-4 लोगों को जानती हूँ तो उनसे मैं देखती हूँ, वो ना एक सुबह सुबह अपना झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं, खाना बना लेते हैं और उनका हो जाता है, मतलब पूरा दिन चल जाता है। बट मेरा ऐसा नहीं है गाइस, मेरा छोटा कक्ष है ना बहुत ज़्यादा ही चीज़ें फैलाता रहता है। अभी भी आप देखोगे ना बेड पर दिख रहा होगा आपको, पूरे खिलौने उसने बेड पर फैला रखे हैं अच्छे से, तो ना पूरा दिन ही मेरा काम हो जाता है पूरा दिन, और पूरे दिन ही मैं लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो काट लिया है कीवी तो मैं ये तक्ष को दे दूंगी, अच्छा रहता है तक्ष के लिए बहुत, मतलब छोटे बच्चों को दे देना चाहिए कीवी, तो उसके लिए मतलब जो विटामिन सी की पूरी आपकी पूर्ति कर देता है ये, तो मैं तक्ष को दे रही हूँ, तक्ष खा लेगा बैठ कर। और अभी मैं सब्जी काट रही हूँ साथ के साथ, तो यहाँ पर मैं सब्जी काट रही हूँ गाइस, और सब्जी काटते काटते मैं तो चलो आपसे बात कर लेती हूँ। तो बस अभी सिंपल सी रात को ना ऑलमोस्ट मैं हल्की सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी हल्का मतलब खाना ही चाहिए होता है, तो जैसे आपका लौकी हो गया या तोरी हो गया टिंडा हो गया, मैं हमेशा रात के टाइम बनाती हूँ, और जैसे छोले हो गए राजमा हो गया ये दिन के टाइम चल जाता है हमारा। ऊपर से नीचे आ गए हैं कह रहा है कि आज हम ऊपर से नीचे आ गए हैं, तो बस अब रात का डिनर ही बनाऊंगी मैं। और मैं मॉर्निंग में ब्लॉग क्यों नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि ना मुझे आज पूरी डस्टिंग करनी थी अच्छे से, तो मैंने ना डस्टिंग में टाइम लगा लिया और मैं ना फोन लगाना बिल्कुल भूल गई, और फिर बाद में याद आया कि अगर मैंने इसको वीडियो में रिकॉर्ड किया होता तो दिखा पाती अपनी डस्टिंग आप लोगों को, बट नहीं मिलता है गाइस टाइम। कई बार ना हम वीडियो फोन लगाना बिल्कुल ऐसा ही हुआ गाइस मेरे साथ आज, तो जब ना मैंने पूरी वीडियो बना ली तब मुझे याद आया अरे मुझे तो फोन भी लगाना था, मैं फोन भी लगा के व्लॉगिंग भी कर सकती हूँ थी आज, बहुत बड़ा व्लॉग बन जाता, लेकिन कोई नहीं, तो मैंने शाम से व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो चलिए फटाफट सब्जी काटती हूँ और बनाती हूँ सब्जी, और साथ में मैं इसकी रोटी बनाऊंगी, मैं रात को हमेशा रोटी ही बनाती हूँ, चावल अगर हमें बनाने भी होते हैं ना तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर में खा लें चावल, अच्छे भी रहते हैं चावल दोपहर में और हल्के भी रहते हैं, बच्चा भी आराम से खा लेता है आपका, क्योंकि तक्ष है ना बिल्कुल भी चावल पसंद नहीं करता है तक्ष, मैं ज़बरदस्ती से चावल खिलाती हूँ, और मैं यूपी से हूँ तो मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है, और इसके पापा को भी चावल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हरियाणा से, हरियाणा के लोगों को रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बस यही वजह है कि कभी कभी मैं दोपहर में चावल बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में हस्बैंड होते भी नहीं हैं और हस्बैंड को चावल पसंद नहीं है तो चावल वो अवॉइड करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें चावल दे दूँ, जैसे ब्राउन राइस दे देती हूँ या फिर चावल का पानी निकाल के, हमारे यहाँ मांड निकाल के बोलते हैं, मांड निकाल के दे देती हूँ तो वो इजिली खा लेते हैं, क्योंकि मैं उनको बोल देती हूँ कि इस तरीके से खाने का आपको बात ही नहीं होगा, वो कहते हैं मेरे को चावल से बात ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता, सबकी अलग अलग राय है, कलकत्ता में देखा जाए तो सभी लोग चावल खाते हैं, यूपी में खाते हैं, बिहार में खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट इन लोगों के मन में सेटल है, मतलब ये लोग सोचते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा शुरू से यही सोचते हैं कि चावल से बात ही हो जाती है, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया होता है, चावल कम खिलाया गया होता है, तो जो खाना बचपन से खाते हैं वही हमें सूट करता है, वही हमें अच्छा लगता है। बट फिर भी मेरे आने के बाद बहुत चेंजिंग हुई है इनकी लाइफ में, मैंने उनको चावल खाने की आदत डाल दी, दाल चावल, कभी कभी आलू का चोखा बना लेती हूँ, चटनी बना लेती हूँ तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज वो कच्चे आलू पहले बिल्कुल भी नहीं खाते थे, कच्चे इन द सेंस उबले हुए आलू को चटनी की तरह बना के बिल्कुल नहीं खाते थे, अब वो खाने लग गए हैं मेरे साथ रह के। तो जैसी आपकी घर की गृहस्थी होती है, जैसी आपकी गृहिणी होती है, जैसी आपकी वाइफ होती है, ऑलमोस्ट आपको वैसे ही खाना खाने की आदत पड़ जाती है, मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि अपनी गृहिणी को अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, और कुछ लोग दोनों आपस में मिलकर चेंज हो जाते हैं, हम दोनों आपस में मिलकर चेंज हो गए हैं। मुझे पता है मेरे हस्बैंड को रात को लौकी या तोरी पसंद है, मुझे ये सब बहुत ख़राब लगती थी सब्जियाँ, बट खाते खाते अब मुझे ये सब्जियाँ बहुत अच्छी लगने लगी, मैं रात को यही बनाती हूँ, और दोपहर में मैं चावल दाल बना लेती हूँ, कोई सब्जी बना लेती हूँ तक्ष के साथ, ताकि तक्ष को भी दाल मिलता रहे साथ के साथ, और चावल भी खाने की आदत पड़े तक्ष को, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तक्ष को सिर्फ रोटी खाने की आदत पड़ जाए, मैं चाहती हूँ चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाए, तो इसीलिए मैं सब कुछ उसे खिलाती हूँ। यहाँ पर मैंने सब्जी काट के तैयार कर ली है और अब मैं बना रही हूँ, बस अब मेरी सब्जी की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया था और अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी, मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया है, अगर आपके पास है तो पहले ज़ीरा भी डाल दीजिए, और यहाँ मेरे पास चने हैं जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं, बस मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाल दिया है, अब इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी, थोड़ा सा हींग डाल दूंगी,
उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दूंगी यहाँ पर, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर मैंने डाल दिया छोटी चम्मच से। इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च डालूंगी, बस यही डालूंगी, और उसके बाद मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी। थोड़ा ही मसाला भूनना है क्योंकि ये जल्दी जल जाते हैं मसाले। बस उसके बाद मैं चने डाल दूंगी, चने डालने के बाद भी थोड़ा सा मिलाऊंगी इसको और थोड़ी देर चने के साथ मसालों को ऑब्जर्व होने दूंगी, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, और उसके बाद फिर मैं लौकी ऐड कर दूंगी। बस ये सब्ज़ी बहुत ईजी सी है, अच्छी भी लगती है और बन भी बहुत आराम से जाता है। जिसको लौकी नहीं पसंद उसको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसको लौकी पसंद है, चने पसंद है, उसके लिए सब्ज़ी बहुत बेस्ट है और आराम से बन जाती है। अब इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, और टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी मिक्स करूँगी, लगभग 1 कप के करीब यहाँ पानी मिक्स कर दूँगी। सब चीज़ें चलाकर मैं इसको ढक्कन को बंद कर दूँगी, और दो विसल आने तक मैं इसे पकने दूँगी। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही है, मैंने बर्तन मांजना स्टार्ट कर दिया है और सारे बर्तन मांज के निकाल लूँगी मैं, क्योंकि आज मैंने प्रसाद बनाया था तो काफ़ी बर्तन हो गए थे मेरे, आप देख सकते हो। तो बस फटाफट से बर्तन मांज लूँगी और इसको मैं निकाल लूँगी, और थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर लूँगी साथ के साथ। जब भी आप ऐसा कुछ अलग सा डिफरेंट काम करते हैं ना, तो आपके घर पूरा मतलब काम बिखर जाता है अच्छे से। तो यही था यहाँ पर। इसके बाद गाइज मैं आपको अपना डिनर नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि पवन को फ़ोन आ गया था और हमें बाहर निकलना पड़ा, कोई उनके फ्रेंड की तबीयत ख़राब थी, मतलब रिलेशन में ही हम उनको देखने गए थे मानेसर की साइड, तो हम जा रहे थे और तक्ष कर रहा था पूरी मस्ती, आप लोगों को नमस्ते कर रहा था, देखिए देख सकते हो आप। कनोरा मोदी क्या होता है, मोदी करोना करोना मोदी जी को करोना बोल रहे हो तुम? पापा को मत दिखाना, पापा नहीं, पापा नहीं हमारे वीडियो में। हम उनको देखकर आ गए थे, और रास्ते में आते वक्त हमने कुछ खाया था, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चलो खा लेते हैं, काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो रास्ते में आते वक्त ये मानेसर की साइड ना राव ढाबा पड़ता है, वहाँ पर हम रुक गए थे। वहाँ पर ना एक फ़िश टैंक था, बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, तक उनके साथ खेल रहा था। उसके बाद हम अंदर चले जाएंगे और फिर मैं कुछ ऑर्डर करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ चुपचाप बैठी हूँ। थोड़ा सा ना शर्म आती है, मतलब अगर हम ऐसी जगह गए हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो कैमरा लगाने में, तो मैंने फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए, व्लॉगिंग के लिए कैमरा लगा लिया था, और आप लोगों को देख रही थी मैं। काफ़ी रात हो चुकी थी और आप देख रहे थे यहाँ तक मस्ती कर रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। हाँ वो ना गुलाब जामुन बोलना नहीं आता, कह रहा है मैं ऑर्डर करूँगा गुलजामम ऑर्डर करूँगा। और यहाँ पर ना मैं इसके पापा की वीडियो बना रही थी, तो इसके पापा बिल्कुल हट गए वीडियो से, तो मुझे हंसी आ गई। और ना मैं चिपके से सोच रही थी बना लूँ, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि उन्होंने मास्क भी लगाया था और वो बार बार हट जा रहे थे, देखो आप। और तक्ष ऐसा ही मेरा, तक्ष इन्जॉय करता है, आप देख सकते हो, तक्ष तो खूब डांस कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है, कह रहा है मैं डांस करके दिखा देता हूँ लोगों को। तो यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, तो मैंने डोसा मंगवाया था खाने में, क्योंकि डोसा काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने यही मंगवा लिया था, और घर पे भी नहीं बना पा रही हूँ साउथ इंडियन डिश आजकल। और तक्ष के पापा ने पनीर के पराठे मंगाए थे, और तक्ष के लिए गुलाब जामुन इसके पापा ने अलग से पैक करा लिए थे, और इसके लिए पता नहीं इसको शायद रसमलाई बोलते हैं, तो ये तक्ष के लिए आ गया था। तो यहाँ पर मैं तक्ष को खाना खिला रही हूँ, जल्दी जल्दी से तक्ष खाना खा लेगा। और तक्ष को खाना खिलाना ना बहुत ही ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कभी वो बात करता है, कभी मुंह नहीं खोलता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसका खाना खिलाना। तो बस यहाँ पे मैं उसे खाना खिला रही हूँ, और यहाँ पे वो मिठाई दिखा रहा है गुलाब जामुन, कि मैंने गुलाब जामुन पैक करा लिया है, मतलब उसको बहुत अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन, कम ही खाता है, इतना नहीं खाता है, लेकिन थोड़ा भी लेंगे तो वो इन्जॉय करता है अपने गुलाब जामुन को। बस यहाँ पे मेरी चाय आ गई है गाइस, सीरियसली आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है मुझे नहीं पता, बट ये चाय स्टिल बहुत अच्छी थी। मतलब हम घर पे भी अच्छी चाय बनाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब जैसे गांव के टेस्ट का, गांव का टेस्ट आ जाए चाय बनाने का, तो वैसा चाय का टेस्ट था, बहुत ही टेस्टी। मैंने चाय को बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर।
और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। तक्ष फिर से वही फिश टैंक के पास जाएगा, बोलेगा मछलियों को बाय बाय। तो यहाँ पे तक्ष मछलियों को बाय बाय बोल रहा था, फिर इसके बाद हम निकल जाएंगे मैं और तक्ष। और रास्ते के लिए मैंने पानी ले लिया था और अब हम निकल जाएंगे गाइस। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उसके बाद रास्ते में तक्ष करेगा पूरी की पूरी मस्ती डांस। तक्ष को बहुत अच्छा लगता है रात को गाड़ी में जाना और खूब सारा डांस करना, मतलब कुछ भी लगा दो गाने, खूब डांस करता है गाड़ी में। और उल्टे सीधे डांस करेगा, कभी कमर दिखा के डांस करेगा, कभी कैसे करेगा। तो बस अभी हम लोग घर आ गए हैं गाइस। आप देख सकते हो कितनी रात हो चुकी है, कम से कम शायद 1:30 या 2 बज रहे होंगे। बहुत रात हो गई थी, मिलना भी बहुत ज़रूरी थी। इसके पापा के सारे फ्रेंड मिल चुके थे, उनसे हम ही नहीं गए थे मिलने, तो हम लोग भी चले गए थे आज मिलने। आप देख सकते हो बाहर का जो व्यू है, एक भी बंदा आपको दिखाई नहीं देगा, एक भी इंसान आपको दिखाई नहीं देगा। तो बस यहाँ पर हो चुका है, मेरी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है। और अब हम चलते हैं, यहीं वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।